लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ओबीसी आरक्षण निरस्तीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए आज नई मुंबई बीजेपी ने भी वाशी में मोर्चा निकाला और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चे का नेतृत्व कर रही बीजेपी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि उद्धव सरकार की नाकामियों के कारण ही ओबीसी आरक्षण निरस्त हुआ है, इसीलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मोर्चे में पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरत, एमएलसी रमेश दादा पाटिल समेत कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि बीजेपी के विधायक मंदाताई मात्रे और विधायक गणेश नाइक दोनों ही मोर्चे से नदारद रहे, जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। राजकीय आरक्षण ओबीसीचा हटवणाऱ्या सरकारचा अरे धिक्कार असो, धिक्कार असो। अरे होश में आओ, अरे सरकार होश में आओ। अरे धिक्कार असो, धिक्कार असो। अरे सरकारचा धिक्कार असो। अरे कोण म्हणता देत नाही, घेतल्या शिवाय राहत नाही। कोण म्हणता देत नाही, घेतल्या शिवाय राहत नाही। येणार आहे आणि आम्हीच तुमच्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहो। आरक्षण आमच्या हक्काचं, भारतीय जनता पार्टीचं, भारतीय जनता पार्टीचं, विजय असो, विजय असो। ओबीसी आरक्षण निरस्तीकरण के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार बताते हुए आज बीजेपी ने राज्य के 1000 ठिकानों पर प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में शिवाजी चौक पर बीजेपी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने यहां जमकर नारेबाजी करते हुए हल्ला बोल किया। मोर्चे में पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरत, एमएलसी रमेश दादा पाटिल और दशरथ भगत समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा बाघ ने कहा कि उद्धव सरकार ओबीसी और मराठा समाज को आरक्षण और न्याय दिलाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। सरकार की इसी नियत और नाकामियों ने ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व छीन लिया है, इसलिए उद्धव सरकार और उनके मंत्रियों को कुर्सी पर बैठने और सत्ता में रहने का हक नहीं है। बीजेपी नेताओं ने जोर देकर कहा कि जब तक मराठा और ओबीसी समाज को हक नहीं मिल जाता, बीजेपी का आंदोलन चलता रहेगा। सरकारला आमचा हेच निर्वाणीचा इशारा आहे की हे जर आरक्षण गेलंय, हे दुसरं तिसरं कोणामुळे नाही, तुमच्या हलगर्जीपणामुळे, तुमच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे गेलेलं आहे। आणि त्यामुळे ओबीसी समाजाला 3 महिन्याच्या आत इम्पेरिकल डाटा बनवा, मागासवर्ग आयोग गठित करा आणि त्याच्या आधारे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने जे तुम्हाला निर्देश दिलेले आहेत त्या अनुषंगाने ओबीसींचं आरक्षण पुनर्गठित करा। सगळ्यात पहिल्यांदा तात्काळ सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन ज्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्यांना पुढे ढकलायची विनंती ही राज्य सरकारने करायला पाहिजे। ओबीसी मंत्र्याचा राजीनामा मागण्याची वेळ का येते, कारण खोटं बोलणं, लोकांची दिशाभूल करणं, आधी म्हणतात आम्ही आता मागासवर्ग आयोग गठीत करू, इम्पेरिकल डाटा बनवू, का इतके दिवस झोपा काढत होते? केला तुम्ही तो आयोग गठीत, केला तुम्ही इम्पेरिकल डाटा गोळा। 5 दिवसांपूर्वी तुम्ही जी घोषणा केली की जोपर्यंत ओबीसींचं आरक्षण हे पुनर्गठित होत नाही आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही, कोणाच्या भरोशावर बोललात तुम्ही? 2 दिवसांपूर्वी ज्या निवडणूक आयोगाने निवडणुका घोषित केल्या आहेत त्या निवडणुका कशा घोषित झाल्या, याचा अर्थ तुमच्या मनामध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यायचंच नाही हे अगदी पक्क आहे आणि म्हणूनच तुम्ही अशा पद्धतीची पावलं उचललीत। तर असल्या फसव्या कामचुकार मंत्र्याला त्या ठिकाणी बसण्याचा अधिकार नाही आणि म्हणून तात्काळ त्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे। वही वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने कहा कि उद्धव सरकार ने 15 महीनों तक जानबूझकर ओबीसी समाज के आरक्षण की फाइल को उलझा कर रखा
और पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी। दशरथ भगत ने कहा कि इस 70,000 ठिकानों पर ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खिचड़ी सरकार की साजिश है, इसलिए जब तक आरक्षण बहाल नहीं होता चुनाव नहीं होने देंगे और बीजेपी का विरोध आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, जो त्रिकोणी सरकार है, या त्रिकोणी सरकार आम्हाला फारच गंमत वाटते हो। आम्हाला समजत नाही की 15 महिने आपल्या टेबलावर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण, सर्व समाजाला आरक्षण मिळावं, मग तो मराठा समाज असेल, एससी एसटी असेल, बहुजन असेल, सवर्ण असेल, अवर्ण असेल, बावरा बलुतेदार असतील, सर्वांचा आपला हक्क आणि अधिकाराचं आरक्षण मिळालं पाहिजे। आणि विशेषतः ह्या ठिकाणी ओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा त्या ठिकाणी मुद्दा होता। 15 महिने फाईल मंत्रालयामध्ये होती, त्या फाईलवर बसून ती फाईल किती गरम करायची, ती 15 महिने फाईल गरम करून करून जळाली फाईल अखेर। काय त्याच्यामध्ये आहे की जो राजकीय आरक्षण आहे, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, हा जो राजकीय आरक्षण आहे त्याचं तर प्रतिनिधित्वाला मिळालं पाहिजे। 70,000 ओबीसींचं प्रतिनिधित्व मातीत घालवलं, त्याच्यासाठी वेळ मिळाला नाही। परंतु नवी मुंबई एअरपोर्टला नामांतरण करण्यासाठी वेळ कसा मिळतोय, ते चोरून चोरून कसं ठराव मंजूर होतोय। 15 महिने हे जो आरक्षण आहे, 70,000 प्रतिनिधित्वाचा आरक्षणासाठी तुम्हाला वेळ मिळत नाही। बताना जरूरी है कि ओबीसी आरक्षण निरस्तीकरण मुद्दे पर बीजेपी का यह मोर्चा कहने के लिए चक्का जाम मोर्चा था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने सड़क की बजाय शिवाजी चौक पर प्रदर्शन किया। इस मोर्चे में बीजेपी के विधायक मंदाताई मात्रे और ऐरोली के विधायक गणेश नाइक दोनों ही नदारद दिखे, जो बीजेपी नेताओं की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।